So, dear students, I welcome you all in this live session today on a very important topic of course BES 125, that is understanding disciplines and subjects. And the title of my topic, the title of my discussion is today actually, what is knowledge? Gyan kya hai? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। यदि आप भारतीय परंपरा में साहित्य का अध्ययन करेंगे, दर्शन का अध्ययन करेंगे, तो वहां भी आपको इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्नों के भिन्न प्रकार के उत्तर देखने को मिलेंगे कि ज्ञान क्या है, कि ज्ञान के संबंध में बहुत सारे विचार, बहुत सारी परंपराएं, और एक तरह से हमें एक डिफरेंस दिखाई देता है, एक डाइकोटमी दिखाई देती है, क्योंकि जिसे पाश्चात्य जगत वेस्टर्न वर्ल्ड नॉलेज कहता है, दैट इज ओनली टू नो अबाउट समथिंग विद सर्टेन फैक्ट्स, विद सर्टेन प्रिंसिपल्स, विद सर्टेन यू कैन से विद सम लॉजिक एंड विद सम प्रूफ। परंतु हमारी परंपरा में ज्ञान की बात उससे कहीं आगे कही गई है, तो मैं दोनों को साथ में लेकर चलने की प्रयास करूंगा इस सत्र में। और आज मैं अपनी बात गीता के एक श्लोक से प्रारंभ करूंगा। गीता के चौथे अध्याय में 38वां श्लोक है, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, कि ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी इस जगत में विद्यमान नहीं है। अर्थात जब हम प्रश्न करते हैं ज्ञान क्या है, तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञान सबसे पवित्र है जो यहां विद्यमान है। और उसको प्राप्त कैसे करते हैं, तो वो कहते हैं तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति, कि जो लोग स्वयं को योग से संसिद्ध करते हैं, वे समय काल के साथ साथ उसको स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। यदि इस श्लोक को हम अपनी जो ज्ञान की विचारधारा है उससे जोड़ने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं कि गीता में जब कृष्ण ने ज्ञान की बात कही है कि नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति, तो वहां वे कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है और इसे हमें स्वयं प्राप्त करना होगा। ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञान को स्वयं प्राप्त करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, नॉलेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड। ये तो अभी 19वीं सदी का विचार है, गीता तो 5000 वर्ष पुराना ग्रंथ है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म भी उसी बात को कहता है कि ज्ञान, नॉलेज इज क्रिएटेड, इज कंस्ट्रक्टेड। वो टीचर के बारे में कहता है ही इज फैसिलिटेटर एंड को क्रिएटर ऑफ नॉलेज, सो नो वन कैन प्रोवाइड नॉलेज। ज्ञान कोई प्रदान नहीं करता, ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जो किसी को प्रदान की जाए, ज्ञान तो स्वयं में समाहित है। इसीलिए जब आप आगे पढ़ते हैं भारतीय विचारकों को, तो मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया पर मुझे एक बड़ा अच्छा कथन लगा कि निरपेक्ष सत्य की स्वानुभूति ही ज्ञान है। अर्थात ज्ञान क्या है, ज्ञान आत्म अनुभव की विषय वस्तु है। जिस भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है उसे उसकी अनुभूति स्वयं होती है, और जब किसी को ज्ञान की स्वानुभूति हो जाती है तो फिर वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, ज्ञानी व्यक्ति पक्षपात नहीं करता। ज्ञान हमेशा निरपेक्ष होता है, किसी एक के पक्ष की बात ज्ञान में नहीं की जाती। भारतीय विचारकों को यदि आप और ध्यान से पढ़ेंगे और आप स्वामी विवेकानंद तक आएंगे, तो जब शिक्षा की परिभाषाएं हम पढ़ते हैं तो वहां विवेकानंद जी का जो कहने का अर्थ था वो यही कहते थे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता ही ज्ञान है, और उसकी अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। उसकी अभिव्यक्ति करना, ज्ञान मनुष्य में
शिक्षा की परिभाषा विवेकानंद ने दी, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अर्थात वो जो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता है, वह अंतर्निहित पूर्णता वास्तव में ज्ञान है। तो भारतीय परंपरा में यदि आप देखेंगे, चाहे गीता को देखें, चाहे स्वामी विवेकानंद को देखें जिन्होंने गीता का अच्छा विश्लेषण किया, आप अन्य भी जो टीकाकार है उनको पढ़ें, अन्य विभिन्न ग्रंथों को पढ़ें, आप महर्षि पतंजलि को पढ़ें, हर जगह भारतीय विचार में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है, केवल हम उसको अवसर प्रदान करते हैं, हम उसको वातावरण प्रदान करते हैं, हम एक परिवेश प्रदान करते हैं ताकि उस परिवेश, उस वातावरण और उस सहायता के द्वारा बालक या मनुष्य उसके अंदर जो ज्ञान है उसको प्रकटित कर सके, उसको उद्घाटित कर सके। जरा इसको कंपेयर करिए जो हम अपनी एजुकेशन की किताबों में वेस्टर्न थॉट्स पढ़ते हैं उससे। वहां क्या कहते हैं, व्हाट इज नॉलेज? वो कहते हैं नॉलेज इज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। कितना नैरो डेफिनेशन है नॉलेज का, कि जो भी व्यक्ति की सत्य मान्यताएं हैं, यदि वे मान्यताएं जस्टिफाइड हो जाती हैं, यदि वे मान्यताएं स्थापित की जा सकती हैं कुछ प्रमाणों के द्वारा, तो यही ज्ञान है। लेकिन जरा मैथिली शरण गुप्त को याद करिए, उन्होंने एक जगह लिखा है, निज पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह न हो। तो हमारे यहां तो ज्ञान को अनंत माना गया है, कोई ये कह ही नहीं सकता कि वह पूर्ण ज्ञानी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कहता है मैं ज्ञानी हूं, वो तो सबसे बड़ा अज्ञानी है, क्योंकि जो व्यक्ति ये समझ लेता है वो ज्ञानी है, उसकी ज्ञान प्राप्ति की पिपासा और प्रेरणा समाप्त हो जाती है। और ज्ञान न तो कभी समाप्त होता है, न ज्ञान का कभी अंत होता है, ज्ञान तो निरंतर बढ़ने और चलने वाली वस्तु है, जिसको प्राप्त करने, जिसको जानने का प्रयास हम करते हैं। लेकिन वेस्टर्न थॉट कहता है वी कैन हैव नॉलेज ओनली ऑफ व्हाट इज ट्रू, कि जो सत्य है हम केवल उसका ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी डाइकोटॉमी है, कितनी एक तरह से विरोधाभास है भारतीय परंपरागत जो ज्ञान की अवधारणा है उसमें, और जो पाश्चात्य अवधारणा है उसमें। लेकिन यदि हम इस नैरो मीनिंग को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में ज्ञान के बारे में जब वो कह रहे हैं तो उनके लिए ज्ञान एक प्रीपोजिशन है, उनके लिए ज्ञान एक कथन या विचार है, क्योंकि वो कहते हैं नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड इन प्रीपोजिशंस। इफ नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोजिशंस, सो फॉर देम ओनली प्रोपोजिशंस आर नॉलेज, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोपोजिशंस विच आर वेरीफाइड, विच आर सपोर्टेड बाई सर्टेन फैक्ट्स। क्योंकि वो आगे कहते हैं अ मीनिंगफुल सेंटेंस दैट कन्वेज ट्रुथ और मीनिंग इज सेट टू बी अ प्रोपोजिशन। सो ऐसा कोई भी कथन, ऐसा कोई भी विचार जो अर्थपूर्ण है और जो किसी अर्थ को कन्वे कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहा है, उसको वही कथन या विचार मानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अ प्रोपोजिशन इज व्हाट द सेंटेंस मींस, कि कोई वाक्य क्या कहना चाह रहा है वह उस वाक्य में छिपा कथन या विचार होता है। इसीलिए वो आगे कहते हैं कि एक ही विचार को, एक ही कथन को दो या अधिक वाक्यों या सेंटेंसेस में भी कहा जा सकता है। टू और मोर सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेम प्रोपोजिशन। सो दिस नैरो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इज बेसिकली, व्हेन दे डिस्कस द वेस्टर्न वर्ल्ड डिस्कस, दे डिस्कस अबाउट द प्रोपोजिशंस एंड दे सेड दैट नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोजिशंस, एंड व्हाट इज अ प्रोपोजिशन, अ मीनिंगफुल सेंटेंस विच कन्वेज ट्रुथ इज अ प्रोपोजिशन। सो व्हाट इज अ प्रोपोजिशन, इट इज व्हाट अ सेंटेंस मीन्स, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट द सेम प्रोपोजिशन, द सेम थॉट, द सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई टू और मोर सेंटेंसेस। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इन वेस्टर्न वर्ल्ड। नाउ
इफ वी वॉन्ट टू नो समथिंग वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दिस वेस्टर्न आइडिया ऑफ नॉलेज इज अ प्रपोजिशन मस्ट बी ट्रू. जो भी कथन या विचार कहा जा रहा है उसे सत्य होना चाहिए. यदि वह कथन या विचार सत्य नहीं है तो वह ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता. तो उन्होंने कहा कि सत्य कैसे है, कैसे पता लगेगा कि कोई भी कथन सत्य है? प्रश्न उठा सकते हैं, आपके मन में भी प्रश्न उठता होगा कि यदि वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहता है द प्रपोजिशन नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड इन प्रपोजिशंस एंड प्रपोजिशंस मस्ट बी ट्रू, सो हाउ वी कैन एंश्योर दैट अ प्रपोजिशन इज ट्रू? सो देन दे आर सेइंग दैट नॉट ओनली अ प्रपोजिशन मस्ट बी ट्रू बट बी मस्ट बिलीव दैट बी इज ट्रू. सो द बिलीफ इज एसोसिएटेड विद द ट्रूथनेस. सो इफ यू बिलीव समथिंग दैट इज ट्रू दैट कैन बी नॉलेज. आर बी एक्सेप्टिंग दिस आइडिया ऑफ नॉलेज कि हमारे विचार में जो सत्य है वही ज्ञान है? ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीजें हमें लगती हैं कि सत्य हैं, हमारे मित्र को लग सकती हैं असत्य हैं, हमारे गुरु को लग सकती हैं असत्य हैं, हमारे साथी को लग सकती हैं असत्य हैं. तो इसका मतलब केवल प्रोपोजिशन का सत्य होना और हमारे अंदर ये बिलीफ होना, ये मान्यता होना कि ये प्रोपोजिशन सत्य है, केवल ये ज्ञान नहीं हो सकता. तो फिर इसमें एक और एलिमेंट ऐड होता है, दैट इज द नेसेसिटी ऑफ एविडेंसेस और ए रीजन टू बिलीव पी. कि यदि पी सत्य है और हम ये मानते हैं कि पी सत्य है तो हमारे ये मानने का आधार कोई एविडेंस या कोई तर्क होना चाहिए. यदि उस प्रपोजिशन के, उस कथन या उस विचार के समर्थन में कोई कारण या कोई प्रमाण उपलब्ध है तभी वह कथन सत्य माना जा सकता है. इसका मतलब कि जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ नॉलेज है वो बेसिकली वेरीफाइड नॉलेज की बात करता है, जो एक तरह से मैं कहूंगा कि प्रैग्मेटिक व्यू टुवर्ड्स नॉलेज है, जहां हमें जो दिखाई देता है, जिसको हम सत्य मान सकते हैं, उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि वो सत्य है या नहीं है, केवल वही ज्ञान हो सकता है. अब जरा फिर से हम भारतीय परंपरा की ओर आए. मैं कोशिश करूंगा कि दोनों परंपराओं को साथ साथ रखूं ताकि आपको इनके बीच संबंध स्थापित करने में थोड़ा सा आसानी हो. तो भारतीय परंपरा में चार प्रकार के ज्ञान की बात की गई. पहला ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान. ये प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? वह ज्ञान जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित करते हैं. मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं. हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम छूते हैं, हम स्वाद लेते हैं, हम सूंघते हैं. अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान अर्जित होता है उसे हमारी परंपरा में प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है. और यदि आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, खासतौर पर यदि आपको इसको पढ़ना है भारतीय परंपरा में, तो जो ज्ञान योग पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की, उसको पढ़िए. वहां बहुत स्पष्ट तौर पर इसको व्याख्यायित किया गया है. तो केवल ज्ञानेंद्रियों ने जो अर्जित कर लिया, मान लीजिए आंखों से हमें कुछ दिख रहा है, वही ज्ञान है. भारतीय परंपरा ऐसा नहीं कहती. ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के मार्ग हैं. Senses are gateways of knowledge, but whatever we are observing, जब वो हमारी चेतना पर आता है, हमारे consciousness पर आता है, और हमारा consciousness उसकी analysis करता है, और उसके बाद जो हमारे मन में विचार प्रकट होता है, जो विषय प्रकाशित होता है, वह ज्ञान है. अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान में ज्ञानेंद्रियां ज्ञान की ओर हमें ले जाती हैं, इसीलिए उनको ज्ञानेंद्रियां कहा गया है. वे इंद्रियां जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग हैं, इसलिए हम उनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं. तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान जब हमारे चेतन द्वारा प्रकाशित चित्त को अपनी प्रवृत्तियों द्वारा विषय को प्रकाशित करने का अवसर दे देता है और वह विषय प्रकाशित हो जाता है, वह विषय प्रस्फुटित हो जाता है, वह विषय उद्घटित हो जाता है, हमारे मन में उस ज्ञान की प्रस्फुटन हो जाती है, तब वह ज्ञान का स्वरूप लेता है. भारतीय परंपरा में दूसरा प्रकार का ज्ञान कहा गया अनुमानिक ज्ञान. अनुमानिक ज्ञान क्या है?
अर्थात जो शब्द है केवल वह ज्ञान नहीं, शब्दों के अर्थ के पीछे होने वाला ज्ञान। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण आपको साहित्य में मिलेगा, शिक्षा की बहुत सारी पुस्तकों में उसका उदाहरण दिया है कि दूर कहीं थोड़ा धुआं उठ रहा है तो हम धुआं देखते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और अनुमान लगाते हैं कि धुआं उठ रहा है तो संभवतः वहां बहुत भयानक आग लगी होगी। तो इस प्रकार का अनुमान लगाना, जो ज्ञान हमने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अर्जित किया है उसको प्रयोग करके हमारे समक्ष जो अनुभव आ रहे हैं उन अनुभवों के बारे में अगली बात के बारे में अनुमान लगाना, इस प्रकार का ज्ञान अनुमानिक ज्ञान कहलाता है। भारतीय परंपरा में तीसरे ज्ञान की बात की गई है, शब्द ज्ञान। कहते जो ज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियां नहीं दे पाती और जो ज्ञान हम प्रत्यक्ष अनुभव करके अनुमानिक ज्ञान निर्मित नहीं कर पाते, कई बार हम शब्द प्रमाणों द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। जब शब्द प्रमाणों द्वारा ज्ञान अर्जित करने की बात हो रही है तो यहां पर शब्द प्रमाण का अर्थ है हमारे गुरुजन, हमारे बड़े, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे वरिष्ठ, उनसे हम कुछ सुनकर, जिसको भारतीय सभ्यता में कहते हैं उपदेश सुनकर, या कुछ किसी पुस्तक में लिखा है, किसी ग्रंथ में लिखा है तो उसको पढ़कर। लेकिन अंतिम शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि शब्द ज्ञान कब अर्जित होता है, केवल किसी ज्ञानी से उपदेश सुन लेने से शब्द ज्ञान नहीं मिलता, किसी पुस्तक को जो लिपिबद्ध पुस्तक है उसको पढ़ लेने से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान कब प्राप्त होता है, जब हमने सुने हुए उपदेश या पढ़े हुए लिपिबद्ध ज्ञान को, जो हमने किसी पुस्तक या किसी कॉपी या कहीं पढ़ा है, उसका अपने चित्त के साथ एकीकरण करते हैं, अर्थात हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसको तर्क करते हैं। देखिए भारतीय परंपरा में एक बड़ी अच्छी विशेषता यह है कि यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। आप उदाहरण देख लीजिए, प्राचीन काल से शास्त्रार्थ होते रहे हैं, भारतीय ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा है, प्रत्येक कथन को चैलेंज किया जा सकता है। और शास्त्रार्थ इसीलिए होते थे क्योंकि वहां एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्ति के ज्ञान को चैलेंज करता था। तो भारतीय ज्ञान ऐसा नहीं है कि एक पुस्तक में जो लिख गया वो जीवन भर लिखा रहेगा और हम उसको मानते रहेंगे, हम उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते, हम उसके विरुद्ध कोई नया प्रमाण खड़ा नहीं कर सकते, हम उसके सत्यता की जांच नहीं कर सकते, जो कुछ लिखा है वही सत्य है। भारतीय दर्शन ऐसा नहीं है, भारतीय ज्ञान ऐसा नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रत्येक लिपिबद्ध या उपदेश या श्लोक को आप समयानुकूल, देशानुकूल, परिस्थिति अनुकूल उस पर चिंतन कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उस पर तर्क कर सकते हैं, उस पर प्रश्न कर सकते हैं। और भारत में तो प्रश्न की परंपरा रही है, यहाँ तो बिना प्रश्न के ज्ञान होता ही नहीं। प्रश्नोपनिषद पूरा इसी पर है, कहते हैं जब तक विद्यार्थी प्रश्न नहीं करता तब तक वो ज्ञान अर्जित ही नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो प्रश्न करता है तब वह उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, तब वह जो उसको दिया जा रहा है उपदेश या जो कुछ वो पढ़ रहा है उसकी वो एनालिसिस शुरू करता है, उसका वो विश्लेषण शुरू करता है। और जब तक उसका विश्लेषण नहीं करता, जब तक उसका चित्त उसको मानने को तैयार नहीं होता, उसके चित्त के साथ उसका एकीकरण नहीं होता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और भारतीय परंपरा में ज्ञान का जो चौथा प्रकार है उसको कहा गया है अंतर्ज्ञान, अंतःप्रज्ञा भी कुछ जगह कहते हैं, अर्थात ज्ञेय वस्तु के तादतम्य से अर्जित ज्ञान। अंतःप्रज्ञा अंग्रेजी में इनसाइट, इसका इक्विवेलेंट वर्ड माना जाता है नॉलेज थ्रू इनसाइट, क्योंकि यह कहा जाता है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है इस धरती पर जिसको अन्य सभी जीवों के समान गुणों के साथ साथ विवेक भी प्राप्त हुआ। यह विवेक का प्रयोग करके मनुष्य जब चिंतन करता है, जब किसी वस्तु जो उसके समक्ष आई है उसके विषय में जानने का प्रयास करता है, कई बार शब्द ज्ञान से उसको प्रश्न का समाधान नहीं होता, कई बार उसकी ज्ञानेंद्रियां भी उसको अनुभव नहीं दिला पाती, कई बार वह अनुमान भी नहीं लगा पाता, लेकिन जब वह चिंतन करता है तो उसके अंदर की जो अंतःप्रज्ञा है वह प्रज्वलित होती है, वह जागृत होती है और उसको अंतर्ज्ञान होता है। तो भारतीय परंपरा में अंतर्ज्ञान भी ज्ञान का एक प्रकार माना गया है। आइए अब हम इसके कंपैरिजन में देखें कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्ञान किसे माना गया।
जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ नॉलेज है वहां ज्ञान को तीन प्रकार से बांटा गया। कहते हैं ए प्रायोरी नॉलेज, पूर्ववर्ती ज्ञान, ए पोस्टियरी नॉलेज, परवर्ती ज्ञान, और एक्सपीरियंस्ड नॉलेज, अनुभव जन्य ज्ञान। आइए अब हम इनको जानने का प्रयास करते हैं कि पूर्ववर्ती ज्ञान क्या है, परवर्ती ज्ञान क्या है, और अनुभव जन्य ज्ञान क्या है। जब हम ए प्रायोरी नॉलेज की बात कर रहे हैं, पूर्ववर्ती ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहता है द नॉलेज हुज ट्रुथ और फॉल्सिसिटी कैन बी डिसाइडेड बिफोर एंड विदाउट रिकोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव के बिना ही जिस ज्ञान की सत्य या गलत होने को निर्धारित किया जा सके, अर्थात जिसके लिए अनुभवों की आवश्यकता ही ना हो, एक तरह से जो इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी हो, जिसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी हो और जिसके सत्य को प्रमाणित करने के लिए आगे किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही ना हो, फर्दर नो फर्दर एविडेंसेस आर रिक्वायर्ड, सो सच नॉलेज इज नोन एज अ प्रायोरी नॉलेज। दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट नॉलेज। सो सच नॉलेज डजेंट स्टैंड इन नीड ऑफ एम्पेरिकल वैलिडेशन। तो इसको आपको प्रमाणित नहीं करना पड़ता, इसके लिए आपको प्रयोग नहीं करने पड़ते, या अनुभवों से लंबे समय से चला आ रहा ज्ञान होता है, जैसे जिसको आप लगातार देख रहे हैं, आपके पुरखों ने भी देखा है, आपने भी देखा है, एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वह ज्ञान चला आता है और उस ज्ञान को कोई चैलेंज नहीं करता, उस ज्ञान की सत्यता पर कोई प्रश्न नहीं उठाता, ऐसे ज्ञान को अप्रायोरी नॉलेज या पूर्ववर्ती ज्ञान कहा जाता है। दूसरा ज्ञान है अपोस्टेरियरी नॉलेज या परवर्ती ज्ञान। यह ज्ञान वो है जो हम अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस से प्राप्त करते हैं, खास तौर पर जिसके लिए हम बाकायदा कोई विधि अपनाते हैं, जैसे कई बार साइंस में साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है, जहां एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, सही विवरण दिया जाना चाहिए, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और इसमें वह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वह तथ्यात्मक सूचनाएं आती हैं जिनकी सत्य या गलत होना केवल ऑब्जर्वेशन या वेरिफिकेशन द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन एक बार यदि ऐसा हो जाए तो फिर यह ज्ञान स्थाई ज्ञान का रूप ले लेता है। लेकिन एक ज्ञान ऐसा भी होता है जो पूर्णतः स्थाई नहीं होता। वेस्टर्न वर्ल्ड ये मानता है कि जो तीसरे प्रकार का ज्ञान है उसको हम अनुभवजन्य ज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। यह अनुभवजन्य ज्ञान क्या है? यह हमेशा टेंटेटिव होता है। यह अनुभवों से पहले इसके एग्जिस्टेंस की बात नहीं की जाती और इसको बिना ऑब्जर्वेशन के माना भी नहीं जा सकता। और यह भी इसमें होता है कि जो भी इसको अनुभव करता है, जो भी इस ज्ञान को प्राप्त करता है, उसे इसका मूल्य पता होता है, अर्थात इसमें मूल्य जुड़ा होता है। मूल्य का मतलब यहां पर कॉस्ट नहीं है, मूल्य का मतलब इसमें वेदर दैट नॉलेज हैज सर्टेन वैल्यू फॉर योर लाइफ, फॉर सोसाइटी, फॉर फैमिली, फॉर कंट्री, फॉर योर डिसिप्लिन, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू दैट नॉलेज हैज। सो द एक्सपीरियंस नॉलेज और अनुभवजन्य ज्ञान जो है वह हम अनुभवों से प्राप्त करते हैं जो उससे पहले शायद उपलब्ध नहीं होता। अब फिर प्रश्न उठता है कि कुछ शब्द हैं जो हमेशा ज्ञान के साथ, जिनका झगड़ा तो नहीं लेकिन रस्साकसी चलती रहती है। ऐसा एक शब्द है इंफॉर्मेशन। आपने भी अपने मटेरियल में पढ़ा होगा, अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा होगा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज नॉलेज, व्हेन इंफॉर्मेशन बिकम नॉलेज एंड वेदर एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। सो एक और टर्म है जिस पर आने से पहले जिसकी बात हमें करनी चाहिए, वो है डेटा, आंकड़ा। वो डेटा क्या है? डेटा बेसिकली कोई तथ्य है या किसी घटना का को कोई वर्णन है जो आपने देखा एज सच। जैसे कोई पौधा है, वो कितना लंबा है, ये उसका डेटा है। कोई घटना घटी, उस घटना का विवरण, ये एक डेटा है कि वो घटना कब घटी, कैसे घटी, उसमें कौन संलग्न थे, कहां हुई। लेकिन जब इस डेटा का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं,
तो डेटा का इंटरप्रिटेशन हमेशा कंटेक्चुअल होता है। किसी दी हुई परिस्थिति में, किसी दी हुई कंटेक्स्ट में, इन एनी गिवन कंटेक्स्ट ओनली वी इंटरप्रेट द डेटा, एंड व्हेन वी इंटरप्रेट द डेटा वी ट्राई टू गेट सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट डेटा। उस तथ्य से हम कुछ सूचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सूचना या इंफॉर्मेशन क्या है? जो आंकड़ों के इंटरप्रिटेशन से, जो तथ्यों के, घटनाओं के इंटरप्रिटेशन से हमें प्राप्त होती है, वह सूचना है। क्योंकि हम अभी तक उस सूचना को कोई अर्थ प्रदान नहीं कर सके, लेकिन जैसे ही हम उस सूचना को कोई अर्थ प्रदान करते हैं, द मोमेंट वी अटैच द मीनिंग टू दैट इंफॉर्मेशन, इट बिकम नॉलेज। सो वेस्टर्न वर्ल्ड इज सेइंग दैट नॉलेज इज बेसिकली अटैचिंग अ मीनिंग टू अ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेटा। सो एनी डेटा व्हेन इट इज बीइंग इंटरप्रेटेड इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, इट इज इंफॉर्मेशन, एंड व्हेन वी अटैच एनी मीनिंग टू दैट इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन बिकम नॉलेज। इट मीन्स अगेन दे आर सेइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट नॉलेज इज क्रिएटेड, ज्ञान का निर्माण होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहती है ज्ञान का निर्माण होता है, कृष्ण भी कहकर गए ज्ञान का निर्माण होता है, विवेकानंद भी कहते हैं ज्ञान तो आपके अंदर है, इसका प्रस्फुटन होता है। अर्थात कोई भी ये नहीं कहता कि ज्ञान प्रदान किया जाता है, ज्ञान कोई प्रदान नहीं कर सकता। आप विद्यार्थी को अवसर प्रदान कर सकते हैं, आप विद्यार्थी के समक्ष कुछ तथ्य रख सकते हैं, कुछ सूचनाएं रख सकते हैं, कुछ परिस्थितियां निर्मित कर सकते हैं, सर्टेन कंटेक्स्ट उनके सामने रख सकते हैं, बट टू इंटरप्रेट दैट इंफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट एंड टू अटैच अ मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, दैट इज नॉलेज, एंड दैट नॉलेज इज क्रिएटेड बाय द लर्नर इटसेल्फ। सो वी कैन नॉट क्रिएट एनी नॉलेज। सो व्हाट इज नॉलेज? अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न थॉट्स, knowledge is information which has been processed and integrated into an existing structure. किसी दी हुई स्थिति, परिस्थिति या व्यवहार में जब किसी सूचना को प्रोसेस किया जाता है, उसका संस्करण करते हैं, उसको अर्थ प्रदान करते हैं, तब हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है, ज्ञानार्जन के स्रोत क्या है? What are the ways to acquiring knowledge? If you go to the again the Western thoughts, they are talking about many ways to acquire knowledge. They are talking about intuition, antarvidhi, antaprajna जिसको हम कहते हैं. They are talking about authority, प्राधिकरण. They are talking about tenacity, दृढ़ आग्रह. They are talking about reason, तर्क. They are talking about empiricism, अनुभवजन्य ज्ञान. They are talking about revelation, प्रकटीकरण. And they are talking about faith, आस्था. ये कहते हैं ज्ञान के ये सात मुख्य स्रोत हैं, इन स्रोतों से विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त होता है। आइए देखते हैं इन स्रोतों का अर्थ क्या है। इन स्रोतों पर विस्तार में बात करने से पहले, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्ञान प्राप्ति के सात मार्ग बताए गए, इंट्यूशन, अथॉरिटी, टेनेसिटी, रीजन, एम्पिरिसिज्म, रेवलेशन एंड फेथ, अंतर्बुद्धि, प्राधिकरण, दृढ़ आग्रह, तर्क, अनुभव जन्य ज्ञान, प्रकटीकरण और आस्था, परंतु यदि आप भारतीय साहित्य पढ़ेंगे, भारतीय परंपरागत साहित्य पढ़ेंगे, हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, विवेकानंद को पढ़ेंगे, तो विवेकानंद जी ने तो बड़ा दृढ़ आग्रह किया है। एक तरह से उन्होंने कहा है ज्ञान प्राप्ति का भारतीय परंपरा में ये माना जाता है केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। इंडियन ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज, भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग एकाग्रता को कहा गया है। विवेकानंद जी ने लिखा है एक जगह कि मन की एकाग्रता ही संपूर्ण शिक्षा का सार है। यदि आप अपने मन को एकाग्र कर लेंगे, कंसंट्रेट कर लेंगे, देन यू कैन नो व्हाट एवर यू वॉन्ट टू नो। आप जो भी जानना चाहते हैं वह जान लेंगे यदि एकाग्रता आपके साथ। सो दिस कंसंट्रेशन एंड एकाग्रता जिसको हम कहते हैं, एकाग्रता भारतीय परंपरा में ज्ञान प्राप्ति का एकमेव मार्ग है। हालांकि पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की बात की गई है,
लेकिन वह अष्टांग योग भी एक तरह से अंततः आपको एकाग्रता की ओर लेकर जाते हैं। आइए देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सात तरीके बताए गए उनका क्या अर्थ है। पहला है नॉलेज थ्रू इंट्यूशन, अंतर्बुद्धि द्वारा ज्ञानार्जन। अ सर्टन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन अ कन्विक्शन ऑफ सर्टेनिटी कम्स अपॉन एज क्वाइट सडनली लाइक अ फ्लैश। महात्मा बुद्ध की कथा हम सबने पढ़ी है और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे अचानक से ज्ञान प्राप्त हुआ था। विद अ फ्लैश उनकी अंतःप्रज्ञा जाग गई। वे वहां साधना कर रहे थे, साधना में लंबे समय से लीन थे, लेकिन अंतःप्रज्ञा जाग गई। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अचानक से आपके मन में घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतःप्रज्ञा या अंतःबुद्धि का पूर्व अनुभवों से कोई संबंध नहीं होता। मैं आपको इसके कई सारे उदाहरण दे सकता हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक मित्र है और मुझे ये कहानी याद है, वास्तविक घटना है। जब हम एमएससी कर रहे थे और हम एक प्रयोग कर रहे थे और उस प्रयोग को कैसे करना है उसकी पूरी विधि, पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस जो प्रैक्टिकल की बुक होती है उस बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ था। लेकिन जो हमारे मित्र थे जो उसको कर रहे थे वो उसको कर नहीं पा रहे थे। हमारे पास आए, हमने भी कोशिश की, हमसे भी नहीं हुआ। संयोग बस हम जिस महाविद्यालय में पढ़ते थे उस महाविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने ही वो किताब लिखी थी। तो हम उनके पास गए, हमने उनसे कहा कि हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रयोग आपने जो विधि लिखी है उसी के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा। तो उनका, मैंने विधि लिखी है तो ठीक ही लिखी होगी, करके देखो। और वैसे भी तुम तो फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, मैं तो इनऑर्गेनिक का टीचर हूं। वापस आ गए, दूसरे विषय के अध्यापक के पास गए, भी चलो फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर के पास। उनका, वो किताब सर ने लिखी है, सारे बच्चे उसी से प्रयोग करते हैं, ये नहीं हो रहा, दूसरा कर लो, एक प्रयोग नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, नया प्रयोग कर लो, प्रयोगों की कोई कमी थोड़ी है। फिर हम एक और तीसरे शिक्षक के पास गए और हम लोग लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन समय बीत गया, वो ट्रायल एंड एरर जो कि जो थ्योरी है वो फेल हो गई, छोड़ दिया हमने वो प्रयोग। मुझे आज भी वो घटना याद है। एक दिन सुबह सुबह 4:30 बजे, जाड़ों के दिन थे, वो मेरा मित्र अचानक अपनी साइकिल से मेरे घर आया, रात हो रही थी, और उसने मेरी कुंडी सुबह 4:30 बजे खटखटाई। उसने कहा कि दरवाजा खोलो। बोला, मुझे समझ आ गया कि हमसे प्रयोग में कहां गलती हो रही है। कहा, रही इतनी सुबह तुम्हें कहां से ध्यान आ गया। बोला, नहीं मैं आज सोया और सोते सोते मैं प्रयोग कर रहा था और मुझसे प्रयोग हो गया और फिर मेरी आंख खुल गई तो मुझे ध्यान आया कि अच्छा ये काम मैं नहीं कर रहा हूं। वो अंतःप्रज्ञा थी जो उसके अंदर उसके अनुभवों से, उसके लगातार इंक्विजिशन से, उसके अंदर जो प्रश्न उठ रहे थे उन प्रश्नों का समाधान नहीं मिल रहा था, वो जो अंदर एक झुंझलाहट थी, जो एक बेचैनी थी, उस बेचैनी ने उसके अंतःप्रज्ञा को जगाया और हम भागे और हमने वो प्रयोग किया और हमने सुबह 7 बजे जाकर प्रयोगशाला खुलवाई और 8 बजे तक हम वो प्रयोग कर चुके थे। फिर हमने पूरा लिखा, हमने ये भी लिखा कि इस किताब में, इस प्रयोग में क्या गलती है। उस प्रयोग की पूरी विधि हमने कागज पर लिखकर फिर उस प्रयोगशाला में हमेशा के लिए चिपका दी। पता नहीं आज 20 साल हो गए वो प्रयोगशाला में वो विधि लिखी होगी कि नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा था कि अंतःप्रज्ञा व्यक्ति को कभी कभी जागृत करती है जो सडनली आती है। और एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग लोगों की अंतःप्रज्ञा अलग अलग हो सकती है। इंट्यूशन ऑफ डिफरेंट पीपल मे डिफर अबाउट द सेम थिंग। और कई बार जो इंट्यूटिव नॉलेज है, जो अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान है, वो पहले आ जाता है, उसका वैलिडेशन बाद में होता है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है। भारतीय परंपरा तो कहती है कि जो अंतःप्रज्ञा द्वारा प्राप्त ज्ञान है वो श्रेष्ठतम ज्ञान की श्रेणी में आता है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि अंतःप्रज्ञा या अंतर्बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए मैंने अंतःप्रज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया, इंट्यूशन के लिए अंतर्बुद्धि शब्द का प्रयोग किया कि अंतर्बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका वैलिडेशन सत्य के रूप में बाद में किया जा सकता है। अगला है प्राधिकरण द्वारा ज्ञान, नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। यह भी आपने अपनी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ा होगा। यह नॉलेज थ्रू अथॉरिटी क्या होती है? कई बार हमारे बड़े, चाहे वे हमारे माता पिता हैं, घर के बड़े हैं, हमारे अध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे सामाजिक नेता हैं, या कोई ऐसा विषय विशेषज्ञ
जो उस क्षेत्र का विद्वान हो, वह जो ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि यहां ज्ञान प्रदान करने की, वेस्टर्न वर्ल्ड में नॉलेज एक्विजिशन होती है, इंडियन कंसेप्ट में नॉलेज एक्विजिशन नहीं होती, नॉलेज क्रिएशन होती है। तो जहां नॉलेज एक्विजिशन की बात हो रही है, वहां जब हम अपने से बड़ों से, जिनकी बात पर हम विश्वास रखते हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान नॉलेज थ्रू अथॉरिटी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है, उसके कुछ लक्षण होते हैं, उससे बचने के कुछ उपाय हैं। आजकल देश में एक घटना चल रही है कि कोविड 19 की वजह से, तो हम देखते हैं, अच्छा एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने क्या कहा, उनकी बात का जो वो जो कहेंगे वो ज्यादा प्रमाण है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल ने क्या कहा, उसकी बात का ज्यादा प्रमाण है। तो हम अथॉरिटीज की तरफ देखते हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने ज्ञान के विशेषज्ञ हैं, और वे जो बात कह देते हैं उसी बात को हम सत्य मान लेते हैं। तो ऐसे ज्ञान को नॉलेज थ्रू अथॉरिटी कहा जाता है। तीसरा होता है नॉलेज थ्रू टेनेसिटी। हम सब इससे ग्रसित हैं, मैं इसकी चर्चा जरूर करूंगा। खासतौर पर ऐसा ज्ञान जो सत्य हो या ना हो, लेकिन जिसको बार 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 कहा जाए, कहते हैं 100 बार कहा गया झूठ भी सत्य के बराबर हो जाता है, एक कहावत है भारत में। तो कई बार आप टेलीविजन पर देखते हैं, मीडिया पर देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर देखते हैं, नेता अपनी रैली में भाषण देते हैं, एक ही बात को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, गलत बात को शोर मचा करके 1000 बार कहने की कोशिश करते हैं, इतनी जोर से और इतनी बार कहते हैं कि लोग ये मानने को तैयार हो जाएं, उनको ये विश्वास हो जाए कि यही सत्य है। तो ये जो दृढ़ आग्रह है किसी भी वस्तु, वह सत्य की बात के बारे में भी हो सकता है, वह असत्य कथन के बारे में भी हो सकता है। तो कई बार मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिशियंस, जो लोग बार बार एक ही चीज को दोहराते रहते हैं, और दोहराते दोहराते कई बार आपके मन में ये प्रश्न खड़ा, इतनी बार ये व्यक्ति कह रहा है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी, वह होता है दृढ़ आग्रह द्वारा ज्ञानार्जन या नॉलेज थ्रू टेनेसिटी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो टेनेसिटी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो दृढ़ आग्रह से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, इस ज्ञान को हम नहीं जानते कि इस क्लेम को हम सत्य माने या नहीं माने, और हमें यह भी नहीं पता होता कि इस ज्ञान की सत्यता हम कैसे प्रमाणित करें। यह बड़ी समस्या होती है जो नॉलेज थ्रू टेनेसिटी होती है। अगला ज्ञान होता है तर्क द्वारा। आप चाहे तो प्लेटो के दौर के विद्वानों को देख लीजिए, सुकरात को देख लीजिए, वहां तर्क होते हैं। भारतीय परंपरा तो तर्क पर पूरी आधारित है, याज्ञवल्क्य से लेकर के और यम निचिकेता संवाद पढ़िए, और उद्दालक श्वेत केतु संवाद पढ़िए, सब जगह तर्क किए जा रहे हैं। विद्यार्थी प्रश्न कर रहा है, अध्यापक उत्तर दे रहा है, प्रतिप्रश्न हो रहे हैं। मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि पूरी गीता में केवल जो कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है वह प्रश्न और उत्तर का संवाद है, और अर्जुन के प्रश्न कम है और कृष्ण के उत्तर ज्यादा है, तो वे ज्यादा तर्क प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वो अंत में कहते हैं कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनमें से किस तर्क को स्वीकार करो और किसको स्वीकार नहीं करो। तो जब हम नॉलेज थ्रू रीजन की बात करते हैं, तो रीजन तर्क जो है वो दो विधियों से जनरेट होता है। वन इज इंडक्टिव रीजनिंग, अनदर इज डिडक्टिव रीजन। सो व्हेन वी ऑब्जर्व समथिंग एंड वी फाइंड आउट समथिंग कॉमन इन दैट, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, और वी डिडक्ट समथिंग, देयर इज अ some theory or some principle and we try to find out its applications. तो इसमें knowledge argument और logic से प्राप्त होती है, तो यह भी ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग बताया गया है। अगला होता है knowledge through empiricism, अनुभव जन्य ज्ञान, जो हमारे भारतीय परंपरा में पहला ही ज्ञान कहा गया है जो हम ज्ञान इंद्रियों से अर्जित करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको कहा गया, लगभग उसके समकक्ष है ये। acquiring knowledge through observation and experiences, जो हम अनुभवों से और ऑब्जर्वेशन से प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान है, और इसके लिए हम सिस्टमैटिक मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी अपनाते हैं, अर्थात कुछ प्रश्न बनाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, उन उत्तरों के लिए कुछ सर्वेक्षण करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो जब हम अपने सेंसरी प्रोसेसेस, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, टचिंग, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका भी प्रयोग करते हैं, और फिर इनसे जो अनुभवजन्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और जब हम उसको वैलिडेट कर लेते हैं थ्रू एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस, तब ऐसे ज्ञान को हम अनुभव जन्य ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अगला ज्ञान है प्रकटीकरण, रेवलेशन।
कहा जाता है कि कुछ लोगों को स्वप्न आते हैं, बहुत सारे धार्मिक मान्यताओं में, कई धर्मों में इस प्रकार की परंपराएं हैं कि स्वप्न में ईश्वर ने उनको दर्शन दिए और उनको कहा कि तुम, मेरा आदेश है कि मेरे वचनों को पृथ्वी तक ले जाओ। दुनिया के बहुत सारे धर्मों में आपको इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। तो अर्थात उनको कुछ किसी ने प्रकट किया, लेकिन वो जो प्रकट किया, जो मैसेज मिला, वो सत्य है नहीं है, उसकी आप वैलिडेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ड्रीम किसी एक को आया, रेवलेशन किसी एक दो चार को हुआ, सबको रेवलेशन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने फिर उस ज्ञान को सब तक पहुंचाया ईश्वर का दूत बनकर, ऐसा कहा जाता है कई भारतीय धर्मों में और विश्व के बहुत सारे धर्मों में इस प्रकार की मान्यताएं हैं, तो वो भी ज्ञान माना जाता है। तो नॉलेज थ्रू रेवलेशन भी एक ज्ञान प्राप्ति का तरीका है। देन नॉलेज थ्रू फेथ, ये वो ज्ञान है जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। तो हमारी मान्यताएं और हमारी आस्था जब कुछ प्राप्ति, कुछ ज्ञान प्राप्ति का आधार हो जाती है, फेथ बेसिकली एक फर्म बिलीव होती है जिसके लिए किसी एविडेंस को कोई स्थान नहीं होता, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि मेरी आस्था इसमें है तो है, मैं इसको ज्ञान मानता हूं, मेरी आस्था इसमें नहीं है तो मैं इसको ज्ञान नहीं मानता हूं। आपकी आस्था इसमें है तो आप इसे अपना ज्ञान मानिए। तो ये जो सात तरीके बताए गए वेस्टर्न वर्ल्ड में, मैंने इनकी थोड़ी चर्चा की यहां पर, दैट हाउ वी कैन एक्वायर नॉलेज। इसके बाद बात आती है कैटेगरीज ऑफ नॉलेज। देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में कैटेगरीज ऑफ नॉलेज की बात भी की गई, ज्ञान के वर्गीकरण की बात की गई, और वहां तीन तरह के वर्गीकरण की बात की गई है। पहला है प्रपोजिशनल नॉलेज, कथनात्मक ज्ञान, अर्थात वे कथन। आप याद करिए जब हमने अभी अपनी चर्चा प्रारंभ की थी थोड़ी देर पहले, तब मैंने कहा था कि वेस्टर्न आइडिया क्या कहता है कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज इज अ वेरीफाइड प्रपोजिशन, कोई भी कथन या विचार जिसकी सत्यता प्रमाणित की जा सके वह ज्ञान है। तो ये मानते हैं कि ज्ञान का एक प्रकार वो होता है जहां कुछ कथन होते हैं जो प्रमाणिक कथन होते हैं। दूसरा होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजरल नॉलेज, जो कथनों में नहीं प्रक्रियाओं में है, जो कथनों में नहीं प्रक्रियाओं में है, सेंटेंसेस में नहीं है, स्टेटमेंट्स में नहीं है, द होल प्रोसेस। सो देयर इज अ प्रोसेस थ्रू विच वन कैन एक्वायर नॉलेज। भारतीय परंपरा में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया की बात की गई है कि उसको गुरु के समक्ष जाकर गुरु के साथ ज्ञान प्राप्त करना होगा, उसके साथ ही ज्ञानार्जन करना होगा, बहुत सारी प्रक्रियाओं की बात वहां की गई है। और तीसरा होता है डायरेक्ट नॉलेज, जो हम अपने सेंसेस से प्राप्त करते हैं, जो हम अपने जो हमारे सेंसेस हैं उन सेंसेस में, फाइव सेंसेस की जहां बात की गई है, पांच ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, उन ज्ञानेंद्रियों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जो स्पर्श करते हैं, जिसका स्वाद लेते हैं, और उसका जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ज्ञान के इन तीन प्रकारों की बात वेस्टर्न वर्ल्ड में कही गई है। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि आज हमने जो ज्ञान पर चर्चा की, चाहे हमने भारतीय परंपरागत ज्ञान की परिभाषाएं देखी और जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ नॉलेज है उसकी भी बात की, तो अब आप खुद पढ़िए, जानने की कोशिश करिए व्हाट इज नॉलेज, हाउ नॉलेज कैन बी क्रिएटेड, व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन नॉलेज क्रिएशन, हाउ यू कैन फैसिलिटेट योर लर्नर्स इन नॉलेज क्रिएशन। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म कहती है कि नॉलेज इज बीइंग क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल एंड द रोल ऑफ अ टीचर इज ऑफ अ फैसिलिटेटर हु फैसिलिटेट्स हिज और हर लर्नर्स इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज। तो आइए हम अपने विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज में संलग्न करें और ज्ञानार्जन की दिशा में उनको आगे ले जाएं। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, अभी भी उठ रहे हो, तो आप लोग जब इस वीडियो को देखें और उसके नीचे चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब तक आप सभी लोग सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, नियमों का पालन करें और इस महामारी से बचने में पूरे देश की और पूरे समाज की मदद करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।